Hello everyone, welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM, and here I am back with another video. So this is the second lecture of the series which we have started for the marketing subject. तो हमने जो marketing का पहला lecture discuss किया था, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा तो पहले जाके वो lecture देखें, मैं link दे दूंगा description में, so that आपका lecture wise lecture concepts जो है वो clear हो सके. तो first lecture में हमने discuss किया था about basics of marketing, that is the features, the various kinds of पॉइंट्स विच आर रिलेटेड टू द मार्केटिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केटिंग. तो ये हमने सारी चीज़ें डिस्कस की थी इन द लेक्चर नंबर वन, और आज का हमारा लेक्चर नंबर टू है जिसके बेसिस पे हम CRM के ऊपर बात करने वाले हैं. CRM बेसिकली क्या है वो आज हम डिस्कस करेंगे. CRM का मतलब होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट. तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जैसे आजकल का ट्रेंड अगर हम देखें तो रिलेशनशिप के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया गया है. रिलेशनशिप मार्केटिंग भी एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है मार्केटिंग से रिलेटेड. सो व्हाट डू यू मीन बाय द कंसेप्ट ऑफ CRM, हम पूरा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, बिकॉज यूजुअली इट इज़ बीन आस्क्ड दैट एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ CRM और एक्सप्लेन द टेक्निक्स ऑफ CRM. तो पहले हम CRM से रिलेटेड कुछ बेसिक मीनिंग जानते हैं कि CRM क्या है. CRM इज कंसर्न विद मैनेजिंग डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंडिविजुअल कस्टमर्स एंड कस्टमर टच पॉइंट्स टू मैक्सिमाइज कस्टमर लॉयल्टी. देखो यहाँ पे दो चीजें कवर हुई है, एक तो हमें CRM में इंडिविजुअल कस्टमर्स के ऊपर ध्यान देना है, और हमें ये बेस पे ध्यान देना है कि हम हमारे कस्टमर के साथ अच्छे रिलेशंस कैसे मेंटेन कर पाए, और उस रिलेशंस की वजह से हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट कैसा मिलेगा. तो दैट इज वाई CRM किस पे फोकस करता है, मैनेजिंग एंड इम्प्रूविंग द बिजनेस रिलेशनशिप्स विद द कस्टमर्स. तो आपको ये याद रखना है कि रिलेशनशिप्स के ऊपर फोकस करेगा, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज द कंसेप्ट ऑफ CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट. तो CRM यूजुअली टू एस्पेक्ट्स के ऊपर डील करता है. नंबर वन है सेल्स रिलेटेड, जैसे सेल्स हम किस बेस पे कर सकते हैं, आजकल तो बहुत सारे ऑप्शंस है सेल्स करने के लिए, जैसे फोन से फोन कॉल कर सकते हैं, वी कैन डू थ्रू ईमेल्स, लाइव चैट है, सोशल मीडिया इज अ मीडियम फॉर डूइंग सच काइंड ऑफ सेल्स, एज वेल एज सर्विसेज भी यहाँ पे कवर्ड होता है. तो दो चीजें अगर आप प्रॉपरली कवर अप करोगे तो आपका कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बढ़ते जाएगा. तो CRM बेसिकली क्या है, CRM इज नथिंग बट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द इंडिविजुअल कंज्यूमर्स या कस्टमर्स एंड डेवलपिंग गुड रिलेशनशिप्स विद देम, सो दैट कस्टमर जो रहेगा वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ लॉयल बनेगा. दैट इज कॉल्ड मैक्सिमाइजिंग द कस्टमर लॉयल्टी. तो और भी कुछ बेसिक चीजें हैं इसमें वो हम डिस्कस कर सकते हैं, जैसे हमें कस्टमर का रिक्वायरमेंट्स पता चलेगा, हमें उसके ऊपर, हमें कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, हम नए नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाएंगे, हम उनके ग्रीवियंसेस को, हम उनके फीडबैक को अच्छी तरीके से लेके उसको इम्प्रूव कर पाएंगे. और ये सभी चीज़ों के ऊपर अगर हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारा जो प्रॉफिट है वो बढ़ते जाएगा. दैट इज़ द सिंपल मीनिंग जो मैंने आपको बताया है CRM के बारे में. तो CRM का फुल फॉर्म याद रखना है, CRM का फुल फॉर्म है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट. तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट ये इसका फुल फॉर्म है, और ये डिटेल्ड कॉन्सेंट्रेट करता है इंडिविजुअल कस्टमर्स के लाइक्स के ऊपर, प्रेफरेंसेस के ऊपर, और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, जिससे कस्टमर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ लॉयल रहे और हम उनसे अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन कर पाए. तो दिस वॉज दी जस्ट मीनिंग रिलेटेड पॉइंट. तो जैसे बहुत सारे आजकल डिजिटल मार्केटिंग के बेसिस पे पॉइंट्स बढ़ रहे हैं, लोग वहाँ से ज़्यादा परचेस कर रहे हैं. तो हम अगर फ्लिपकार्ट का एग्जांपल ले तो फ्लिपकार्ट भी बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड करता है, सो दैट कस्टमर उनके साइट के साथ लॉयल रहे एज वेल एज कस्टमर वहीं से परचेस करे. तो दैट इज वाई इट इज दी पॉइंट वेयर वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग मोर ऑन द कस्टमर लॉयल्टी. कुछ इंपॉर्टेंस देखते हैं कि आपको एग्जाम में इंपॉर्टेंस ऑफ CRM आ सकता है. मैंने यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक पॉइंट लिखे, ऐसा नहीं कि आपको यही पॉइंट लिखना है, आप अपने बेस पे पॉइंट्स को शफल या अपने बेस पे पॉइंट्स को चेंज कर सकते हैं. द नंबर वन पॉइंट इज कस्टमर डेटाबेस. देखो क्या होता है, CRM एक सिस्टम है और उसमें कस्टमर डेटाबेस होता है. कस्टमर डेटाबेस का मतलब हम कस्टमर के लाइक्स, कस्टमर के प्रेफरेंसेस, कस्टमर के डिसलाइक्स, हम सभी चीज़ों को इंटीग्रेट करते हैं, सभी चीज़ों का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उसको हमारे डेटाबेस में स्टोर करते हैं, ताकि जब भी कुछ नीड अराइज हो वहाँ से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट जो किया हुआ है वहाँ से हम इंफॉर्मेशन को हमारे डिसीशंस मेकिंग में यूज कर पाए. दैट इज वाई
इम्पोर्टेंस में ये पहला पॉइंट आएगा हमारा कस्टमर डेटाबेस। नेक्स्ट इज इम्प्रूव्ड कस्टमर एक्सपीरियंस। देखो कस्टमर का एक्सपीरियंस जो है वो हम डे बाय डे इम्प्रूव कर सके, हम कस्टमर को मैक्सिमम यूटिलिटी दे, हम कस्टमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे, और CRM की वजह से ये सब चीज़ें पॉसिबल हो पा रही है बिकॉज हम उनके ग्रीवियंसेस, हम उनके रिक्वायरमेंट्स, हम उनके पर्सनल डिटेल्स, हम उनका प्रेफरेंसेस, ये सभी चीज़ों को हम प्रॉपर कलेक्ट कर रहे हैं और उसके बेसिस पे हम हमारे कस्टमर्स को इजीली ट्रैक कर पाएंगे कि हमारे कस्टमर्स का एक्सपेक्टेशंस क्या है, हमारे कस्टमर्स का ओवरऑल लाइक्स क्या है, हमारे कस्टमर्स के बेसिस पे हम हमारे पैरामीटर्स डिसाइड करेंगे एंड देन वी कैन गो for it. That is why CRM also improved customer experience. CRM not only focuses on the existing customers but they are also focusing on the new customers. So CRM क्या कर रहा है, जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है उनके साथ तो हम अच्छे तरीके से बिजनेस कर ही रहे, लेकिन हमें और सक्सेसफुल और अच्छे लेवल पे हमारा बिजनेस को लेके जाना होगा तो हमें न्यू कस्टमर्स को भी अट्रैक्ट करना पड़ेगा बिकॉज एज वी ऑल आर अवेयर दैट मार्केट में तो मोनोपोली सिचुएशन अभी नहीं है। अभी मार्केट में कैसा सिचुएशन है कि अगर हमने कोई भी अच्छा सर्विस दिया तो ही हम हमारे कस्टमर के साथ एक गुड रैपो मेंटेन कर सकते हैं, बट अगर हमने अच्छा कस्टमर को सर्विस नहीं दिया तो हमारे कॉम्पिटिटर्स जो रहेंगे वो हमारे कस्टमर्स को हमसे चुरा लेंगे। दैट इज द पॉइंट एंड दैट इज वाई CRM मोर फोकसेस ऑन द एक्वायरिंग ऑफ द न्यू कस्टमर्स एज कंसर्न। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सेल्स का स्ट्रैटेजी। तो सेल्स करने के लिए हमको डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज की जरूरत है बिकॉज अगर हम अच्छी स्ट्रैटेजी बना पाएंगे तो हम हमारे सेल्स को इम्प्रूव कर पाएंगे, बट अच्छी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए हमें मार्केट पैरामीटर्स को ध्यान में रखना पड़ेगा, हमें मार्केट से रिलेटेड कस्टमर्स के लाइक्स प्रेफरेंसेस को ध्यान में रखना पड़ेगा और अकॉर्डिंगली हमें प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करके सेल्स करना पड़ेगा एंड दिस कुड बी पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ CRM। नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 5, दैट इज सिंप्लीफाइड मार्केटिंग। हम जितनी अच्छी तरीके से मार्केटिंग सिंप्लीफाइड करें वो बेटर होगा। जैसे वेरियस चैनल्स है मार्केटिंग के, हम कहाँ कहाँ से मार्केटिंग कर सकते हैं, हम वेबसाइट से कर सकते हैं, इवेंट से कर सकते हैं, हम न्यूज़पेपर्स के थ्रू कर सकते हैं, हम सोशल नेटवर्क के साइट से मार्केटिंग कर सकते हैं। बहुत सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स आजकल मार्केटिंग करवा रहे हैं बेसिस पे और उनका भी प्रॉफिट हो रहा है और कंपनीज को उससे ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है बिकॉज एवरीबडी Nowadays is using the social networking sites and that can be used to attract more consumers. तो यही है हमारा simplified marketing और अगर हम ये सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से follow कर रहे हैं तो obviously हमारा efficiency या productivity जो रहेगा वो बढ़ेगा। कम से कम इनपुट में हम ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट कैसे लेंगे उसको हम एफिशिएंसी बोलेंगे और वो प्रोडक्टिविटी के बेसिस पे हमारी एफिशिएंसी जो रहेगी एफिशिएंट हो जाएंगे, हम लोग अच्छे लेवल पे हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा और दैट कैन इंक्रीज दी एफिशिएंसी। नेक्स्ट इज नंबर 7 कॉल्ड एज कॉम्पिटेटिव एज। तो कॉम्पिटेटिव एज के बारे में अगर बात करें तो CRM क्या है, CRM एक लिंक है किसके बीच में, ऑर्गेनाइजेशन के बीच में और कंज्यूमर्स के बीच में। तो ऑर्गेनाइजेशन और कंज्यूमर्स के बीच का जो मिडिलमैन हम बोल सकते हैं, लिंक बोल सकते हैं, दैट इज CRM। तो दे आर आइडेंटिफाइंग व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस, दे ओवरऑल प्लान अबाउट द प्रोडक्ट, प्राइसिंग कैसा होना चाहिए, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, उस बेस पे सारी चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाता है, प्लान बनाए जाते हैं सो दैट ऑर्गेनाइजेशन में और कंज्यूमर्स में कोई भी एक डिस्टेंस गैप ना रहे, ताकि अगर डिस्टेंस गैप रहा तो क्या होगा, डिस्टेंस गैप रहा तो हमारे कंज्यूमर्स कॉम्पिटिटर्स के पास चले जाएंगे, इसलिए हमें बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा एंड दैट इज नथिंग बट कॉम्पिटिटिव एज। तो ऑब्वियसली इट इज़ बीन क्लियर दैट ये सभी चीज़ों पे ऊपर अगर हम फोकस कर रहे हैं, ये सभी चीज़ें हमको CRM बेनिफिट दे पा रहा है, CRM की वजह से ये सभी चीज़ें पॉसिबल हो पा रही है, तो ऑब्वियसली हमारे कंपनी का मार्केट स्टैंडिंग, हमारे कंपनी का मार्केट में शेयर्स का प्राइस, हमारे कंपनी का मार्केट में हम रेपुटेशन बोल सकते हैं या फिर अल्टरनेटिव वर्ड जो आपको पता है दैट कॉल्ड गुडविल। तो गुडविल, इमेज, कॉर्पोरेट स्टैंडिंग हमारे मार्केट में बढ़ सकता है और हमारे कस्टमर हमारे प्रोडक्ट का मार्केटिंग करेंगे खुद, बिकॉज इट इज ऑलवेज सेड दैट माउथ पब्लिसिटी इज द बेस्ट पब्लिसिटी। आप कितना भी एडवर्टाइजमेंट करोगे तो भी वो एडवर्टाइजमेंट एक स्पेसिफिक टाइम के लिए रहेगा, लेकिन एक बार आपका नाम अगर मार्केट में खराब हो जाएगा तो दैट विल बी प्रॉब्लमेटिक। तो दैट इज वाई गुडविल ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल और CRM की वजह से आप अपने कंपनी का इमेज मार्केट में बढ़ा पाओगे। तो दिस ऑल
आर द पॉइंट्स रिलेटेड टू इंपॉर्टेंस, तो इसको आप शफल कर सकते हो। अभी हम कुछ दूसरे पॉइंट्स पढ़ेंगे टेक्निक्स के बारे में। तो टेक्निक्स ऑफ सीआरएम अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ये याद रखना है, काफी इजी पॉइंट है, उसका बेसिक मीनिंग बताता हूँ तो आप याद रख सकते हैं। नंबर वन है डेटा वेयरहाउसिंग। डेटा वेयरहाउसिंग का मतलब हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे, वो इंफॉर्मेशन को हम हमारे डेटाबेस में रखेंगे, जो एक सेंट्रली स्टोर डेटाबेस होगा, और वहां से जैसे जैसे इंफॉर्मेशन चाहिए वैसे वैसे हम इंफॉर्मेशन ले पाएंगे। दैट इज कॉल्ड डेटा वेयर हाउसिंग। डेटा माइनिंग, अगर डेटा माइनिंग की बात करें तो बहुत सारा एक डेटा जो रहेगा स्टोर्ड होगा, और वहां से जैसे जैसे हमको डेटा चाहिए वैसे वैसे हम ले सकते हैं। जैसे अब अगर हम यहाँ पे एग्जांपल ले यूट्यूब का, तो यूट्यूब में भी हम बहुत सारे यूट्यूब कैसा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम बहुत सारे क्रिएटर्स जो रहते हैं वो अपने बेस पे, अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे वीडियोस को अपलोड करते हैं। तो यूट्यूब एक डेटाबेस है जहाँ पे बहुत सारे वीडियोस स्टोर है, और वहाँ से जैसे जैसे नीड अराइज होगा वैसे वैसे वीडियोस हम हमारे बेस पे, हमारे लाइक्स के बेस पे ले रहे हैं। दैट इज ऑल्सो द पॉइंट ऑफ डेटा माइनिंग। नेक्स्ट इज पर्सनलाइजेशन। देखो पर्सनलाइजेशन मतलब हमें एक पर्सनल फील होना पड़ेगा, हमें एक पर्सनल टच, जैसे हमने पहले ही पढ़ा था पर्सनल टच करके, दैट इज नथिंग बट द टच पॉइंट्स। तो हमें पर्सनलाइजेशन मतलब कि हमें कंज्यूमर्स को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन से या हमारे कंपनी से परचेस करते वक्त कि आफ्टर सेल सर्विस प्रॉपर नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर एग्जांपल हम ले तो फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, जैसे कोई प्रोडक्ट हम अगर हम ऑनलाइन परचेस कर रहे हैं और वो प्रोडक्ट अगर आउट ऑफ ऑर्डर हो जाता है, तो यहाँ वहाँ पे एक ऑप्शन अवेलेबल होता है कि नोटिफाई मी। तो जैसे हम वो नोटिफाई मी पे क्लिक करेंगे, जैसे ही वो प्रोडक्ट फिर अवेलेबल हो जाएगा तो हमें ऑटोमेटिकली ईमेल या मैसेज वहां से आएगा। तो दैट इज नथिंग बट दैट इज पर्सनलाइजेशन। तो उसके वजह से कंज्यूमर्स फील दैट कि द पर्सन, द ऑर्गेनाइजेशन इज इंटरेस्टेड कि दे आर सेटिस्फाइंग मोर कंज्यूमर्स, दे आर प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, एंड दैट इज द पॉइंट ऑफ पर्सनलाइजेशन। नेक्स्ट इज तीन पॉइंट्स है, कंप्लेंट्स मैनेजमेंट एंड सपोर्ट। तो हमें ग्रीवियंसेस, हमें जो मैनेजमेंट है वो हमारे, हमें लोगों के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, क्वेरीज है, उसको प्रॉपर मैनेजमेंट के बेसिस पे सॉल्व करना पड़ेगा, और उनको एक आफ्टर सेल सर्विस या सपोर्ट भी देना पड़ेगा। ये भी टेक्निक्स का ही पॉइंट है। जैसे अगर हम ऑटोमोबाइल्स की बात करें, अगर हम कंप्यूटर की बात करें, तो लैपटॉप की अगर बात करें तो डेल है, एचपी है, लिनोवो है, ये काफ़ी अच्छे लेवल पे टेक्निकल सपोर्ट दे रहे हैं अपने कस्टमर्स को। जैसे कुछ भी अगर प्रॉब्लम फेस होता है तो हम हमारे कस्टमर केयर का नंबर दे सकते हैं, वहाँ से ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो पाएंगी। नंबर फिफ्थ इज मॉनिटरिंग कस्टमर्स फीडबैक। तो हमें कस्टमर्स का फीडबैक भी काफ़ी ज़रूरी है, बिकॉज कस्टमर जब तक फीडबैक नहीं देंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग। तो दैट इज वाई वी शुड टेक प्रॉपर फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर्स, देर शुड बी अ फोरम। और यूजुअली बहुत सारी वेबसाइट्स है, बहुत सारे ऑनलाइन वेबसाइट्स है जो आपसे फीडबैक लेते हैं, तो हम उसके बेस पे फीडबैक जो मिलेगा उसको हम प्रॉपर मॉनिटर कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं, और उसके बेसिस पे हम इम्प्रूव कर पाएंगे। नेक्स्ट इज नंबर सिक्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो सोशल मीडिया अगर हम बात करें तो बहुत सारे वेबसाइट्स का एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे होता है, सोशल नेटवर्किंग होता है, जैसे कि ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, वहाँ से हम हमारे कंज्यूमर्स के साथ इजीली अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो यही सोशल मीडिया मार्केटिंग है। नेक्स्ट इज इंसेंटिव्स प्रोग्राम्स। तो हम हमारे एम्प्लॉयज को इंसेंटिव्स प्रोग्राम दे सकते हैं। जैसे इंसेंटिव्स की अगर बात करें तो कमीशन है, बोनस है, प्रमोशन है, रिकॉग्निशन है, मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स वी कैन प्रोवाइड टू देम। नेक्स्ट इज स्ट्रैटेजिक पार्टनरिंग। देखो स्ट्रैटेजिक पार्टनरिंग मतलब हम क्या करेंगे, हम किसी और के साथ टाई अप कर लेंगे सो दैट हमारे कंज्यूमर्स को और भी अच्छे बेनिफिट मिल सके। जैसे अगर हम फ्लिपकार्ट की बात करें या जैसे हम अमेजन की बात करें, तो ये लोगों ने क्या किया है, ये लोगों ने स्पेसिफिक बैंक्स के साथ टाइप कर लिए है। जैसे अगर हम फ्लिपकार्ट की बात करें तो फ्लिपकार्ट ने किसके साथ टाइप किया, एक्सिस बैंक के साथ। तो एक्सिस बैंक के कार्ड से अगर आप कुछ शॉपिंग करोगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स मिलेगा। दैट इज स्ट्रैटेजिक पार्टनरिंग। ये पार्टनरिंग के बेसिस पे क्या होता है, दोनों को बेनिफिट मिल रहा है, दोनों कंपनीज को बेनिफिट मिल रहा है, एंड कस्टमर इज ऑल्सो हैविंग अ गुड एक्सपीरियंस ऑफ शॉपिंग। तो दीज आर ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू योर टेक्निक्स विच वी हैव स्टडीड। तो आज हमने सीआरएम के ऊपर बात की, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी अच्छे लेवल पे मैंने इसको एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है। फिर भी अगर आपको कुछ इसमें स्पेसिफिक पॉइंट से रिलेटेड क्वेरीज है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, और ये अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, बिकॉज ऐसे वीडियोस बेसिक रिलेटेड जो आपकी बेसिक चीज़ें क्लियर करें वैसे वीडियो इस चैनल पे आते रहते हैं। सो दैट्स इट। इफ़ यू लाइक द वीडियो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट, एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल सब्सक्राइब and hit the bell icon for further notifications. Thank you. Have a nice day. Till then, as always, work harder, be smarter.